उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे रहेंगे। आज मैंने बनाया है प्रॉन्स पुलाव और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खुशबूदार बना है ये पुलाव। जब मेरे हस्बैंड घर पे आए ऑफिस से और ये बन ही रहा था बस, तो उनके मुंह में भी पानी आ गया फ्रेग्रेंस से। तो चलिए बनाते हैं हम प्रॉन्स पुलाव। कुछ ये लिस्ट है मसालों के जो आपको लगेंगे आगे रेसिपी में, तो आप इन्हें निकाल के रेडी रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बड़ा सा टोप लिया है और उसे गैस पे चढ़ा दिया, उसे अच्छे से गर्म कर दिया और उसमें 3 से 4 बड़े चम्मच में तेल डाल रही हूँ। इस रेसिपी में तेल आप थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि तेल थोड़ा ज़्यादा रखें या फिर आप घी भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच जीरा और शाही जीरा। अगर आपके पास शाही जीरा नहीं है तो आप जीरा को ही डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन शाही जीरे से अच्छा फ्रेग्रेंस आता है पुलाव में, एकदम रॉयल टेस्ट आता है। फिर क्या करना है, बस जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सारे लिस्ट दिखाए जो थे गरम मसाले के, वो एक एक करके इसमें डालते जाना है और बस 2 से 10 सेकेंड इसे भूनना है। जैसे ये भून जाएंगे और फ्रेग्रेंस निकलने चालू हो जाएगा तो यहाँ पर प्याज डाल देना है, जैसे मैं डाल रही हूँ। तो 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने और उसे अच्छे से मैंने स्लाइस कर दिए हैं बारीक, और इसे अच्छे से ब्राउन होने तक हमें भूनना है। थोड़ी देर जब ये ब्राउन हो जाएगा, अच्छा चॉकलेटी कलर हो जाएगा, तो थोड़ा सा हमें इसमें से जो फ्राइड अनियंस है वो निकाल के साइड में रख देना है। ये हम लास्ट में जब पुलाव हमारा रेडी हो जाएगा ना, तब सर्विंग के टाइम इसे ऊपर से गार्निश करके जब हम सर्व करते तो बहुत टेस्टी बनता है। तो नेक्स्ट स्टेप मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 बड़े जूसी टमाटर लिए थे, इन्हें मोटा मोटा काट दिया है, और मैंने 5 से 8 हरे मिर्चे भी लिए थे। तो दोस्तों क्योंकि ये जो पुलाव है ये कोकोनट मिल्क से बनता है तो इतना तीखा नहीं बनता है, तो अगर आपको तीखा पुलाव चाहिए तो आप हरे मिर्चे थोड़े ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो टमाटर जैसे सॉफ्ट हो गए, मैंने इसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 2 बड़े चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ। जैसे वो हो गया, थोड़ा सा भून लिया, तो मैंने इसमें डाल दिया है आलू। ये 2 बड़े आलू है जिन्हें मैंने 4 टुकड़े में काट दिए हैं। अगर आप ये रेसिपी पे ध्यान देंगे ना दोस्तों, तो इसमें कुछ ज़्यादा भूनने का काम नहीं है, सिवाय जो स्टार्टिंग में हमने प्याज को भूना था, क्योंकि बाकी सब हमें बस एक के बाद एक इसमें डालते जाना है, थोड़ा मिक्स करना है और फिर दूसरा इंग्रेडिएंट डालना है। तो मैंने थोड़ा इसमें हरा धनिया भी डाल दिया, और अब ये प्रॉन्स की बारी। प्रॉन्स को मैंने सिर्फ धो के अच्छे से साफ करके रख दिया था। इसमें मैंने कोई नींबू या नमक नहीं लगाया था, क्योंकि अगर हम वो करते हैं ना स्टार्टिंग में ही, तो प्रॉन्स पकना चालू हो जाता है और जो उसका टेक्सचर है वो पुलाव में चेंज हो जाता है। बस प्रॉन्स डाल दिया मैंने, उसी के साथ 1 चम्मच गरम मसाला और 1/2 नींबू स्क्वीज़ करके बर्तन में ही डाल दिया। इसे एक टॉस कर रही हूँ मैं, बस थोड़ा सा इसे सौते करना है, और फिर थोड़ा सा हल्दी। हल्दी ऑप्शनल है, हल्दी से हमारा जो पुलाव का कलर है ना वो एकदम फीका नहीं दिखता है, थोड़ा ब्राइट येलो पुलाव का कलर आ जाता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बासमती राइस। आप नॉर्मल कोई भी राइस ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि चावल अच्छे से भीगे हो। मैंने 1/2 घंटा तक इसे भिगा दिया था, तो ये क्या जब कुकिंग टाइम होगा तो ये कम टाइम में पक जाएगा और अच्छे फूले फूले भी बनेंगे। अब इसमें 2 कप में नारियल का दूध डाल रही हूँ। अगर आपके पास कोकोनट मिल्क नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं, या चिकन स्टॉक डाल सकते हैं, या मैगी क्यूब जो रहता है ना, 2 क्यूब्स को पानी में मिक्स करके वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट मिल्क एंड प्रॉन्स का जो कॉम्बिनेशन है ना राइस के साथ, वो कुछ अलग ही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। वो कोकोनट मिल्क का अच्छा फ्लेवर आता है। सो इसे मैं मिक्स कर रही हूँ, और जैसे थोड़ा सा ना ऊपर से हमें देखना है कि हाँ, और गैस की फ्लेम को फास्ट रखिएगा, बिल्कुल भी स्लो मत रखिए, नहीं तो राइस एकदम चिपचिपे बनेंगे। बस नमक डाल दिया मैंने और इसे थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया, और पानी आपको इतना एडजस्ट करना है कि राइस के थोड़े ऊपर तक पानी आ जाए। जैसे इसमें बॉयल आ गया और राइस और पानी का लेवल सेम हो गया, एक गीला कपड़ा डाल दीजिए जैसे मैं डाल रही हूँ, और ढक्कन लगा दीजिए बस, और उस कपड़े को अच्छे से बंद कर दीजिए। और अगर आपके पास कोई वजन है तो वजन उसके ऊपर रख के इसे दम पे रख दीजिए लगभग 20 मिनट। 20 मिनट के बाद हमारा पुलाव देखने लायक है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बना है। मतलब इसका फ्रेग्रेंस ही इतना अच्छा है कि मतलब हमारे में तो रुका ही नहीं जा रहा था, खासकर मेरे बेटे को, तो वो तो आ गया बाजू में प्लेट लेके, मम्मा गिव मी पुलाव टू ईट करके।
बहुत टेस्टी बना है दोस्तों, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए कैसे एक एक दाना कैसे फुला फुला एकदम खिला खिला सा बना है, एकदम चिपचिपा बिल्कुल नहीं बना है, राइट एकदम कंसिस्टेंसी का वो कुक हो गया है चावल, आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो मैं यहाँ पे अपने बेटे को सर्व कर रही हूँ पुलाव। आज मैंने ये पुलाव ना सिर्फ प्याज और टमाटर का कचुम्बर के साथ सर्व किया है, और दोस्तों इसके साथ एक्चुअली कोई सालन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये इतना टेस्टी अपने आप में ही लगता है। बेसिक प्याज टमाटर का सालन भी इसके साथ बहुत टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको कैसे लगा। ये रही मैं खा रही हूँ और मेरे बेटे को भी दे रही हूँ खाने के लिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपके फैमिली में सभी लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।